दफा का जिक्र है। एक जंगल में रानो चिड़िया और उसकी सास रहती थी। रानो चिड़िया की कोई संतान ना होने की वजह से उसकी सास उसे एक ताना भी नहीं देती थी, बल्कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सासू माँ, मेरे पास औलाद ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कहते। बेटा, क्या हुआ? अगर तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं लिखी तो इसमें मैं क्यों तुम्हें डांटूं? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारी सास से ज्यादा तुम्हारी माँ हूँ, और फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। जाओ बेटा, नदी किनारे से जाकर मटका भर के आओ। तुम इन छोटी छोटी बातों पर इग्नोर मारा करो और किसी की बातों पर तवज्जो ना दिया करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हल पर। मैं अपने बेटे को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी, तुम ना फिक्र करो। ऐसे ही रानो चिड़िया मटका उठाकर पानी भरने के लिए जाती है। गोरी, क्या हुआ? देखो देखो, बांच आई है, बांच जिसकी कोई औलाद ही नहीं है। हाय, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो तुम जो बांच हो ना, घर से निकाल देती। मेरा तो एक सुंदर सा बेटा है जिसका नाम जग्गू है। हाय, तुम्हारी सास ने पता नहीं कैसे रखा हुआ है, अपनी सास को थोड़ी सी खुशी नहीं दे सकती। फिर रानो उसकी बात इग्नोर मारती है, उसे कोई जवाब नहीं देती। गोरी वहां से जाकर उसकी, अरे आपको बिल्कुल फिक्र नहीं, आपके घर में भी छोटे छोटे नन्हे बच्चे होने चाहिए ताकि आप उसे संभाले। और अब दादी बनने का शौक नहीं है क्या आपको? मेरे नजदीक एक चिड़िया है, कवि है, बहुत सुंदर है, कहो तो उसका रिश्ता लेकर बताऊं। नहीं नहीं गोरी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मुझे अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई अपने बेटे की शादी नहीं करानी, तुम जाओ यहाँ से। गोरी वहाँ से चली जाती है। रानो, माँ जी, मुझे हर कोई ताने देता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है और मैं बांच हूँ, ये तो कोई मेरी कोई संतान नहीं है। माँ जी, ये क्या होगा, कैसे मैं जिंदा रहूँगी, ये क्या हो गया मेरे साथ? बेटा, तुम क्यों फिक्र करती हो? बिल्कुल फिक्र ना करो, अगर तुम्हारे बागे में औलाद नहीं है तो इसमें क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम किसी की बातों पर तवज्जो ना दिया करो। बेटा, दरवाजे पर कोई है, जाकर दरवाजा खोलो मेरी बेटी। ऐसे ही मिट्टू उस दो बच्चों को साथ लेकर आता है और कहता है उसकी सास और रानो से, रानो, ये दो बच्चे मुझे पेड़ के पास खड़े दिखाई दिए, मुझे तो इन्हें पालना नहीं आता। मैं चाहती हूँ इन दोनों मासूम बच्चों को तुम अपने पास रखो और इन्हें पालो। तुम चिड़िया हो ना, ये चिड़िया के बच्चे हैं, तुम ही पाल सकती हो इन्हें। बताओ, तुम रखोगी इन्हें अपने पास? बेटा, ये किसके बच्चे हैं बेटा, और इसके माँ बाप नहीं है क्या बेटा? ठीक है बेटा, लेकिन इनके माँ बाप तो होंगे ना बेटा, जो इन्हें संभालें। और फिर कल को इनके माँ बाप आ गए और फिर हमें कुछ कहा, तो ये तो गलत बात है बेटा। कोई तो इनके माँ बाप होंगे बेटा, बताओ बेटा कैसे रख ले। ऐसे ही मिट्टू से कहता है, मुझे ये रास्ते से मिले इनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं इसे अपने घर नहीं लेकर जा सकता क्योंकि वहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन इनका भोजन का बंदोबस्त मैं ज़रूर किया करूँगा। और आपको, नहीं नहीं मिट्टू जी, हमें भोजन की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पालूँगी इन बच्चों को। सासू माँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ही पालूँगी इन बच्चों को। ऐसे ही रानो की माँ कहती है, सास कहती है, ठीक है तुम इनको बच्चों को पालो, मुझे कोई इतराज नहीं। मिठू वहाँ से चला जाता है। फिर वो उन बच्चों को पालने लग जाती है। ये क्या, मुझे तो यहाँ पर कोई बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, लगता है कोई बच्चे रो रहे हैं। बच्चों, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारी मम्मा पापा कहाँ है? बच्चों, क्या हुआ? बच्चों, कुछ तो बोलो, खाना की भूख लगी है, पानी पीना है, क्या हुआ? ऐसे ही वो बच्चे रानो को बताते हैं कि मेरी माँ खो गई है, मैं इसलिए अकेले हूँ, इसलिए रानो उसे अपने घर ले आती है। देखो बेटा, इसे अपने साथ रख लेते हैं, बहुत मासूम बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बच्चे वाकई मासूम हैं और लगते भी बहुत अच्छे हैं। माँ जी देखो, आपस में कितनी मोहब्बत है, मैं इन बच्चों को अपने पास ही रखना चाहूँगी। ऐसे ही रानो जा रही थी कि रास्ते
हाय हाय, अब किसकी औलाद लेकर आ गई हो, किसके बच्चे अगवा करके लेकर आ गई हो? ये बच्चे अपनी संतान तो है नहीं, दूसरों का पालन पोसे की ठेका लगाया हुआ है, अपने ही पैदा कर लो, किसके बच्चे को लेकर भाग रही हो? बताओ, चोरी वोरी तो नहीं की तुमने किसी के बच्चे? गोरी गोरी शुभ शुभ बोलो, कैसी कैसी बातें मुंह से निकाल देती हो, कुछ तो सोच समझ कर बोल सकती हो। ऐसे ही गोरी वहां से चली जाती है, कोई फ्रूट खाती है जो जहरीला होता है, जिससे गोरी की तबीयत खराब हो। बेटा जग्गू, रानो को बुला कर लाओ, बेटा रानो को बुला कर लाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है बेटा, मुझे नहीं लगता मैं जिंदा बच सकती हूँ बेटा, प्लीज रानो को, उसे मैंने कुछ कहना है। ऐसे ही जग्गू रानो के पास जाता है और रानो से कहता है, क्या हुआ जग्गू बेटा, क्यों परेशान हो, कोई बात है तो बताओ। फिर जग्गू रानो को सारी बात बताता है कि कैसे उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो आपको बुला रही है। फिर रानो उधर जाती है और गोरी कहती है रानो से, रानो मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं पता नहीं जिंदा रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, तुम ना करो, मेरे बच्चे जग्गू को अपने पास रखो और इसे पालना पोसना और इसे बड़ा करना, प्लीज मेरे बच्चों को अपने पास रखना और इसे माँ का प्यार देना मेरे जग्गू। रानो, गोरी, मुझे अब समझ आया कि मुझे अल्लाह ने संतान क्यों नहीं दी, क्योंकि मैंने इन मासूम बच्चों को पालना जो था, इनको अपने साथ जो रखना था, आज मुझे समझ आई। ठीक है गोरी, मैं आपके जग्गू को अपने पास रखूंगी और अपने बच्चों की तरह प्यार करूंगी, मेरे बच्चे तो नहीं लेकिन फिर भी। ऐसे ही गोरी वहां से मर जाती है और जग्गू को लेकर रानो घर आ जाती है और ऐसे ही वो सारे बच्चों की परवरिश करने लगती है और सबको अपने बच्चे ही समझकर पालने लग जाती है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कभी कभी हम किसी के लिए वसीला बन जाते हैं और कभी कभी हम किसी के लिए नहीं बनते, तो हमेशा दूसरों की मदद करें और अल्लाह हमें चाहता है कि हम दूसरों की मदद करें। अल्लाह हाफिज़।